नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर राजस्थान की खास खबरों पर। पेपर लीक मामला, आरपीएससी पूर्व सदस्य रामू रायका की कोर्ट में पेशी, शनिवार तक रिमांड पर सौंपा, एक वकील को थप्पड़ मारने का इशारा किया। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन के लिए ड्रोन मैपिंग सर्वे शुरू, उद्योग वाणिज्य मंत्री एवं जोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया शुभारंभ। बीकानेर में फैक्ट्री में युवक की हत्या, भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया, थानेदार के निलंबन की मांग। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लापता दो भाइयों में एक का शव मिला, दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस मुख्यालय सीआईडी अपराध शाखा के 103 पुलिसकर्मी सम्मानित, एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कार्य क्षेत्र में आगे भी और अधिक जोश और ऊर्जा के साथ कर्तव्य का पालन करें। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश को किया ट्रैप। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय बांदा के बीच हुआ एमओयू। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 54% बढ़ाई प्रोत्साहन राशि, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को सितंबर से मिलेंगे 10,000 रूपए। जयपुर में बांध की दीवार टूटी, लाशें बहने लगी, कब्र से बाहर निकले 5 शव लोगों ने पानी में उतरकर बाहर निकाले। कैथरी ग्राम पंचायत में अतिवृष्टि से हुए फसली नुकसान में गिरदावरी कराए जाने की मांग। बहरोड़ में हाईवे पर गोवंश को बचाने के प्रयास में बेकाबू बस दूसरी लेन में ट्रोले से भिड़ी, एक की मौत, 24 लोग घायल। सोडाला स्थित एसबी गार्डन में मनाया गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का जन्मदिन। श्रीगंगानगर में श्री स्वामी समाज कराएगा 5 गरीब बेटियों की शादी, बहु बेटियों को देगा सिलाई और ब्यूटी पार्लर का निशुल्क प्रशिक्षण। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुचित त्यागी ने महिला एवं बाल विभाग की शासन सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार किया ग्रहण, राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के लिए सघनता से कार्य किए जाने के दिए निर्देश। कृषकों की होगी राह आसान, किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% तक अनुदान। भरतपुर में असामाजिक तत्वों और वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, 6 जिलों में 1273 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 307 टीमों ने 1309 स्थानों पर दी दबिश, 681 वांछित अपराधी और असामाजिक तत्वों को किया गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।